जो ब्रोकर पैटर्न है इसमें बेसिकली क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में एक दरमियान में एक लेयर है जो कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को अप्रोप्रिएट सर्वर की तरफ डायरेक्ट करती है द क्लाइंट रिमेंस कंप्लीटली इग्नोरेंट ऑफ द आइडेंटिटी लोकेशन एंड कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ द सर्वर बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन If a server becomes unavailable, a replacement can be dynamically chosen by the broker. ये बहुत ही एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है एक सर्वर डाउन हो गया रिक्वेस्ट दूसरे की तरफ फॉरवर्ड हो गए। तो क्लाइंट को पता भी नहीं लगता इसका ट्रांसपेरेंसी आ जाती है अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और इसमें रिडेंडेंसी भी आप इस तरीके से ऐड करके अवेलेबिलिटी को आप बढ़ा सकते हैं इफ ए सर्वर इज रिप्लेस्ड विद अ डिफरेंट कंपेटेबल सर्विस अगेन द ब्रोकर इज द ओनली कंपोनेंट दैट नीड्स टू नो द क्लाइंट डीड टू नो तो एक सर्वर को हटा के आपने उसकी जगह कंपेटेबल दूसरा सर्वर आपने लगा दिया जो वो सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है क्लाइंट को कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता क्लाइंट को उसका पता भी नहीं लगेगा तो दिस इज अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट तो इसमें आप उसको एवोलूट एवोल्यूशन भी कर सकते हैं बेहतर सर्वर के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके कर साथ करते हैं एंड इन दिस पर्टिकुलर केस प्रॉक्सीज़ आर कॉमनली इंट्रोड्यूस्ड एज इंटरमीडिएटरीज इन एडिशन टू द ब्रोकर टू हेल्प विद डिटेल्स ऑफ इंटरेक्शन विद द ब्रोकर कई बार ऐसा होता है और इसमें मार्शलिंग और अनमार्शलिंग मैसेजेस और वो सारी चीज़ें इसमें हैंडल होती जहाँ ब्रोकर के बहुत सारे फायदे हैं देर आर अ फ्यू ड्रॉबैक्स ऑल्सो ज़ाहिर है कि हर चीज़ हर जगह पे उतनी अच्छे तरीके से काम नहीं करती हर एक का एक जगह होती है जहाँ पर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है वट आर दाइड इफेक्ट्स जो पहली चीज़ जो हम देख सकते हैं दे एड कॉम्प्लेक्सटी और इसमें ये डिज़ाइन बिकम्स टल डिफिकल्ट सो ब्रोकर मस्ट बी डिजाइंड एंड इंप्लीमेंटेड अलॉन्ग विद मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स तो यह एक कॉम्प्लेक्सिटी है जो इसमें एड हो रही है सो एक लेवल ऑफ इनडायरेक्शन भी इसमें एड हो रहा है बिटवीन द क्लाइंट एंड सवर विच विल एड लेटेंसी जरा थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि एक से दूसरे पे जा रहा है लेटेंसी बढ़ गई तो उसमें कम्युनिकेशन जो है उसमें ओवरहेड्स उसके आ जाते हैं तो ये इसका एक नुकसान एक और इसके साथ प्रॉब्लम है या जरा थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है वो ये है कि डी बर्किंग ब्रोकर कैन बी डिफ़िकल्ट बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन हाईली डनेमिक एनवायरमेंट्स वेयर दी कंडीशन लीडिंग टू तो फेलियर मे बी तो रे, रेप्लिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में फेलियर को डुप्लीकेट करना और फिर देखना कि ब्रोकर ठीक तरीके से काम कर रहा है ये ज़रा बहुत ट्रिकी काम है आसान नहीं है दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम तो ये इसके साथ ये मसला है कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको डीबक करना क्यों, क्योंकि उस कंडीशन को रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है जो ब्रोकर जो है तो दरमियान में क्योंकि ये बैठा हुआ है तो दिस बिकम्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ अटैक हैकर्स इसको अटैक कर सकते हैं और इसके थ्रू सिस्टम को अटैक कर सकते हैं फ्रॉम अ सिक्योरिटी परस्पेक्टिव सो दिस इज़ अ सिंगल पॉइंट ऑफ अटैक एंड सो इट नीड्स टू बी डिज़ाइंड एंड हार्ड अप्रोप्रिएटली इसमें बहुत इसको जरूरत है इसको एंड इफ इट इज नॉट डिजाइंड प्रॉपरली इट कैन बी ए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्योंकि दरमियान में अगर ये फेल हो गया क्लाइंट्स का सर्वर के साथ रबता ख़त्म तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी है सो so अगर ये यहाँ पर इस क्यों हम आ, किसी वजह से अगर ये होता है तो एंड देन इट बिकम्स अ बटल नेक क्योंकि सारी चीज़ें इधर से होकर जा रही हैं यह भी इसका एक ड्रॉबैक है सो बटल नेक्स भी ये बन जाती हैं कि अगर ये अच्छी परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर यहाँ पर जाकर चीज़ें रुकना शुरू हो जाएंगी और डिलेज़ यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे तो ब्रोकरस के जहाँ पर फ़ायदे हैं वहाँ पर कुछ नुकसान भी हैं तो जाहिर है कि हर चीज़ हर जगह पर उतनी सूटेबल नहीं होती लेकिन ब्रोकरस जनरली आज के डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में ये एक बहुत इम्पॉटेंट आर्किटेक्चर पैटर्न है